हाउ इज फ्यूचर डॉक्टर्स, फाइनली नीट 2022 का नोटिफिकेशन आ ही गया और जैसा कि एक्सपेक्टेड था आपका नीट 2022 का एग्जाम मिड जुलाई के बाद होगा, तो अब ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुकी है कि नीट 2022 एग्जाम 17 जुलाई को होगा। देखो भाई, अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है, 100 डेज से ज्यादा आपके पास बचे हुए हैं, तो इस बचे हुए टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो, कुछ फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं ताकि एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे से कोई मिस्टेक ना हो, तो जल्दी ही मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगा। बट उससे पहले क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है, जैसे कि आपको सबको पता है बीवाइज क्लासेस का जो ओल्ड यूट्यूब चैनल है जिसपे अराउंड 320,000 सब्सक्राइबर थे, वो हैक कर लिया गया है। अभी उसकी रिकवरी नहीं हुई है, YouTube ने उसको अपनी कस्टडी में रखा है, उसकी रिकवरी में टाइम लग सकता है। बट तब तक सारी वीडियोस इस YouTube चैनल पे अपलोड की जाएंगी, आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो पहले भी आपने खूब मदद किया है तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूं और आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे। अब आते हैं हम कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। देखो भाई, अभी जो मैंने अभी तक नोटिफिकेशन पढ़ा है, मेजर चेंज ये है कि आपका एग्जाम 3 आवर्स की बजाय इस बार 3 आवर्स और 20 मिनट का होगा, यानी इस बार आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है, आप आराम से पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब नीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मई इसकी लास्ट डेट है, तो आपको इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आप उसके नीट 2022 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक, वैसे अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, इसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए आपको वेट करना है, वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी जैसा मैंने आपको बोला 100 डेज से ज्यादा का टाइम है, तो अब जी जान से लग जाओ। आपको एक सच्चाई आज मैं बता रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट है जिसने पहले स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक सही से प्रिपरेशन नहीं किया, जो इन लास्ट 100 डेज में यानी अराउंड इन 3 मंथ्स में जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा, डेफिनेटली वो इस बार नीट एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्रैक करेगा। पहले आपने क्या किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लास्ट 100 डेज में क्या करेंगे इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन 100 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और अगर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करके जीरो से अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखो भाई, उसमें टोटल 95 लेक्चर्स हैं, डेली अगर एक लेक्चर देखेंगे ना तब भी आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री एग्जाम से पहले अच्छे से जीरो से स्टार्ट करके प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप वो रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें, और अभी हमने जो होली वाला प्रोमो कोड है वो आपके लिए फिर से अप्लीकेबल कर दिया है। होली प्रोमो कोड अप्लाई करके आप 3500 का डिस्काउंट पा सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स कृष्णा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उस पे, यानी कृष्णा बैच जो एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है, 50 आवर्स का कोर्स है, उस पे भी अभी 50% डिस्काउंट है। एनसीईआरटी प्रोमो कोड अप्लाई करके आप 50% डिस्काउंट कृष्णा बैच पे पा सकते हैं, और कंप्लीट एनसीईआरटी मेरे साथ ओनली 50 आवर्स में कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, जिनकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, कृष्णा बैच में मैं कंप्लीट रिवीजन भी अच्छे से करवा रहा हूं, यानी मेन कोर्स में और रैंक बूस्टर कोर्स में जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो कृष्णा बैच में एनसीईआरटी के साथ साथ उसका रिवीजन भी हम कर रहे हैं, तो रिवीजन के लिए भी आप कृष्णा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कृष्णा बैच और रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें। जो रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको कृष्णा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई आपका सजेशन है वो सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आपके लिए आएगी, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस नए चैनल को शेयर करो, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि पुराना चैनल हैक हो चुका है उनको भी पता चल जाए, वो भी नए चैनल पे आ जाए और उनका कोई नुकसान ना हो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।